दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी तवायफ औरत की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर हर एक औरत ने तौबा तौबा की। सारे गांव वालों की चीखें निकल गई। हर कोई हैरान परेशान हो गया, कैसे एक तवायफ औरत जानवर बन गई। उसके साथ अल्लाह पाक ने ऐसा क्यों किया? किया है इस जालिम औरत का गुनाह, जिसके करने से अल्लाह पाक ने इसे ऐसी भयंकर सजा दी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। आए देखते हैं दोस्तों, बगदाद के शहर में एक नेक और खूबसूरत नौजवान रहता था, जिसकी खूबसूरती की हर कोई तारीफ करता था। इस लड़के के माँ बाप बचपन ही में इंतकाल कर गए थे। मस्जिद के मौलवी साहब ने इसकी तरबियत की थी। जब वह बड़ा हो गया, अपना कमाने खाने लगा। उसके घर में एक छोटा सा तोता भी रखा हुआ था। वह नौजवान अपने घर में कुरान पाक की तिलावत किया करता था और तोता भी पास होता था। आहिस्ता आहिस्ता वह तो तोता भी कुरान की आयतें सीख गया और उनको अपनी जुबान से अदा किया करता था। वह तोता थोड़ा थोड़ा बोला करता था। अल्लाह वाले नौजवान इस तोते को यही सिखाया करते थे कि हमेशा सच बोलना। सच बोलने वाले को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। उसके घर के पास एक तवायफ का घर था। वह तवायफ बहुत ही खूबसूरत थी। इस तवायफ के मामा ने एक दिन इस तवायफ को कह दिया कि बाजी, आपके हुस्न का पूरा गांव दीवाना है, मगर नौजवान है जिसने कभी आपको नजर उठाकर भी नहीं देखा। वह बहुत नेक और शरीफ इंसान है। मस्जिद से सीधा घर आता है और घर से मस्जिद तक उसकी रसाई है। वह तवायफ औरत कहने लगी, यह कैसे हो सकता है? मेरी खूबसूरती को देखकर बड़े बड़े शरीफ भी अपनी शराफत भूल जाते हैं, गुनाह कर बैठते हैं। यह कौन सा इतना बड़ा आलिम हाफिज है जो मुझे नहीं देखता? उसकी मुलाजिमों ने कहा। आप चाहो तो आजमा कर देख लो, उसने कहा। ठीक है। अब इस तवायफ ने अपना भेष बदला और एक शरीफ लड़की के कपड़े पहनकर मस्जिद के दरवाजे के आगे जाकर खड़ी हो गई, ताकि जब भी वह लड़का आए उसको किसी न किसी बहाने से बुला सके, बहका सके। वह लड़का जब भी नमाज पढ़ने आता, कभी भी नजर उठाकर उसको नहीं देखता, नजर झुकाकर मस्जिद में जाता और नजर झुकाकर वापस अपने घर को चला आता। इसी तरह दिन गुजरते गए, मगर इस लड़के ने कभी नजर उठाकर उस वाइफ की तरफ नहीं देखा था। एक दिन वह तवायफ जानबूझकर जमीन पर गिर पड़ी। इस नौजवान ने जब इस लड़की को जमीन पर पड़े हुए देखा, तो उस नौजवान ने सबसे पूछा कि यह लड़की कौन है? वहां खड़े हर इंसान ने कहा, इस लड़की को हम नहीं जानते, क्योंकि उस तवायफ ने अपना भेज बदला हुआ था। वहां खड़े लोगों ने कहा, यह किसी गरीब घर की लड़की मालूम होती है। नौजवान ने कहा, उसको उठाए और मेरे घर पर पहुंचा दे। फिर लोग उस लड़की को उठाकर उस लड़के के घर ले गए। लड़की सोचने लगी, मेरा पहला वार कामयाब हो गया, अब मैं इस नौजवान को, इस अल्लाह वाले इंसान को आसानी से बहका सकती हूँ, और रात की तन्हाई में बहका और भी आसान होगा। वह लड़का ईशा की नमाज पढ़ने मस्जिद में गया। वह औरत उसका इंतजार कर रही थी। उसने आकर पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? वह बदक औरत कमजोरी का बहाना बनाने लगी और आंखों ही आंखों में अपना शैतानी हुस्न दिखाने लगी। इस बदक औरत ने हर तरह के तीर चलाए, मगर वह अल्लाह वाले नौजवान को अपने जाल में फंसाने में नाकाम हो गई। वह थक हार कर लेट गई और सोचने लगी कि एक बूढ़ा इंसान भी होता तो वह भी मेरे पीछे आ जाता। यह पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, मेरा कोई इशारा नहीं समझ रहा। उस अल्लाह वाले नौजवान ने उससे पूछा, आपका इस दुनिया में कौन है? माँ बाप कहाँ है? आपका घर कहाँ है? उसने कहा, इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। और यह कहकर वह रोना शुरू हो गई। उस अल्लाह वाले नौजवान ने जब यह सुना तो उसको बहुत दुख हुआ और उसको कहने लगे कि आप मेरे लिए एक गैर मरम औरत हैं और आपका मेरे साथ रहना ठीक नहीं। इस बदक औरत ने जब यह सुना तो कहने लगी, मैं कहाँ जाऊंगी? उस नौजवान ने कहा, आज रात आप मेरे साथ यहाँ ठहर सकती हैं, मगर सुबह आपको जाना ही होगा। यह बात सुनकर बदक औरत कहने लगी कि किस तरह इससे गुनाह करवाऊं, मगर फिर भी वह थक हार कर हर तरीके से नाकाम रही। सुबह उस अल्लाह वाले नौजवान ने मौलाना साहब से मशवरा किया कि एक गरीब औरत मेरे घर में रह रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? मौलाना साहब ने कहा, अगर उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, लावारिस है, तो फिर तुम उससे निकाह कर लो, आखिरकार एक न एक दिन तो तुमने शादी करनी ही है। उस नौजवान ने वापस आकर उस लड़की को बताया कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं तुमसे निकाह कर लूं। यह सुनकर वह खौफ अजदा हो गई और सोचने लगी कि मेरा तो इरादा निकाह करने का नहीं है,
मैं तो उससे नाजायज ताल्लुकात कायम करना चाहती हूँ, इसकी बीवी बनने नहीं आई। इस बदक औरत ने उस नौजवान को कहा, मुझे आज रात सोचने का टाइम दीजिए, मैं सुबह आपको बता दूंगी। वह रात भर सोचती रही, आखिर करूं तो क्या करूं। फिर उस औरत ने फैसला किया, चलो झूठ मूठ ही सही, आखिर यह नौजवान तो मुझे मिलेगा। जब मेरा काम हो जाएगा तब मैं उसके घर से भाग जाऊंगी। सुबह होते ही उसने इस नौजवान से कहा, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर वह नौजवान बहुत खुश हुआ। अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया कि मैं किसी बेसहारा का सहारा बन सकूं, और इस तरह एक औरत की जिंदगी भी बच जाएगी। उसने मौलाना साहब को बुलाया और निकाह करवा लिया। सब लोग नौजवान की शादी से बहुत खुश हुए। उसने निकाह कर लिया। वह नौजवान तो अल्लाह ताला की इबादत करने वाला था। कुछ दिन गुजरे, जब उस औरत का उस अल्लाह वाले से दिल भर गया तो वह कहने लगी कि अब मुझे यहां से जाना चाहिए, मैं यहां कैसे रह सकती हूं, अब मैं तो उसी दुनिया में वापस जाना चाहती हूं, लेकिन उस लड़के के निकाह में हूं, उसकी बीवी हूं। उस बदक औरत ने अपनी मुलाजिम को पैगाम भेजा कि मैं यहां से निकलना चाहती हूं, कोई बंदोबस्त करो। वह मुलाजिम उसके पास आई और कहने लगी कि अब आप उसकी बीवी बन चुकी हैं, यहां से कैसे निकलेंगी, आपने ऐसा क्यों किया था। इस बटामज औरत ने कहा, मैं उसकी खूबसूरती में इतनी पागल हो चुकी थी कि मैं किसी तरीके से उसे जलील करना चाहती थी, क्योंकि वह लड़का तो मुझे देखता भी नहीं था, तो फिर मैं और क्या करती, मुझे मजबूरन इससे निकाह करना पड़ा, मगर अब मुझे यह पसंद नहीं, मैं यहां से निकलना चाहती हूं। मुलाजिम ने उसको कहा कि आप ऐसा करें, उसे तलाक ले लें, और वह कहने लगी, नहीं, मैं उसे तलाक नहीं ले सकती, क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान है और मुझे यह कभी भी तलाक नहीं देगा। वह बदक औरत बोलने लगी, मुझे इतना शरीफ इंसान नहीं चाहिए, क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसको मार देती हूं, और अपने कोठे वाली जिंदगी को याद करने लगी, जहां हर रोज अमीर अमीर लोग मेरे यहां आया करते थे, मेरे ऊपर हजारों दीनार निछावर किया करते थे। मुझे उसके साथ नहीं रहना, उसने मुलाजिमों से बोला कि तुम मुझे जहर लाकर दो ताकि मैं इसको मार दूं। जब मुलाजिम ने यह सुना तो वह मुलाजिम जहर का इंतजाम करने लगी। इस मुलाजिम ने उसको जहर लाकर दिया, और जब रात को अल्लाह वाला नौजवान घर आया तो वह बदक औरत सज संवर कर उसके सामने आई और कहने लगी, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूं। जब वह खाना लेने गई तो उसने खाने में जहर मिला दिया। अब वह जो तोता जो उसके घर में हर वक्त मौजूद रहता था, यह सब देख रहा था। उस तोते ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। वह अल्लाह वाला नौजवान उसके पास आया और कहने लगा, आज तुम इतना क्यों चीख रहे हो। तोता फिर बोला, बचाओ बचाओ उसकी। यह बात सुनकर वह बहुत हैरान हो गया। उसने खाना खाया। खाना खाकर उसने अपनी बीवी को कहा, मैं सोने के लिए जा रहा हूं, मुझे तहज्जुद के लिए भी उठना है। जब आधी रात का वक्त हुआ, उसको तकलीफ हो शुरू हो गई। उसने अपनी बीवी को कहा, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पेट में कोई छुरियां चला रहा है। वह बदक औरत कहने लगी, मुझे लगता है कि आपने कोई उल्टी सीधी चीज खा ली होगी। उस अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, मेरा वक्त करीब आ चुका है, तुम ऐसा करो, मौलाना सा को बुलाकर लाओ। और उसके सामने उसका शौहर तड़प तड़प कर मर गया। उस बदक औरत को जरा भी उस पर तरस ना आया। अल्लाह नौजवान ने मरते वक्त कलमा शहादत की तिलावत की और उसकी जान निकल गई, और वहां तोता चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। उस औरत ने उस तोते को कहा, चुप हो जाओ वरना तेरा भी गला दबा दूंगी। उसने अपने मुलाजिम को पैगाम भेजा कि जल्दी से यहां आओ। उनकी मुलाजिम आई और उन दोनों ने मिलकर घर के सहन में एक गड्ढा खोदा, उसको वहां दफन किया, और दिल ही दिल में खुश थी कि मेरी इस आदमी से जान छूट गई, अब मैं आजाद हूं। उसके बाद फिर वह अपनी तवायफ और अपनी बदका वाले अड्डे में चली गई और फिर वहीं जिनाकारी में लग गई। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक ने उसको एक जिंदगी दी थी। अगर वह चाहती तो अपने गुनाहों से तौबा कर सकती थी, अपने शौहर की तरह नेक और परहेजगढ़ बन सकती थी। अगर वह चाहती अपनी आखिर तक संवार सकती थी, मगर उसने अपने हाथों से ही अपनी दुनिया और आखिर तक को बर्बाद कर लिया, बल्कि अपने शौहर को जहर देकर उसका कत्ल कर दिया। वो अब तवायफ भी थी, मगर अब वह एक कातिल भी बन चुकी थी। जब सुबह फज्र का वक्त हुआ, मौलाना साहब ने नमाज पढ़ाई और देखा कि उसका शागिर्द कई दिनों से नमाज पढ़ने नहीं आया, तो वह बहुत परेशान हुआ और उनके घर में आया। उसका दरवाजा खटखटाया,
मगर उसके घर का दरवाजा किसी ने नहीं खोला। मौलाना साहब यही सोच रहे थे, शायद वह सो रहा होगा, मगर वह ये भी सोच रहे थे कि नमाज तो मेरा शागिर्द कभी नहीं छोड़ सकता। मौलाना साहब वापस चले गए। जब जौहर का वक्त हुआ और देखा अभी भी उसका शागिर्द नमाज पढ़ने नहीं आया, उन्होंने किसी को भेजा, मगर उसने भी यही कहा कि वह दरवाजा नहीं खोल रहा है। शाम तक यही सिलसिला चलता रहा। ईशा के बाद मौलाना साहब ने सोचा, मुझे खुद जाना चाहिए। जब मौलाना साहब गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया, मगर कोई भी ना आया, मगर अंदर से तोता चीख रहा था, बचाओ बचाओ। मौलाना साहब समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया, दरवाजा तोड़ा, और जब दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो देखा कि घर खाली था, सिवाय उस तोते के उस घर में और कोई ना था। और वहां सब यही समझ रहे थे कि मियां बीवी कहीं घूमने गए हुए हैं। रात को तहज्जुद का वक्त हुआ, मौलाना साहब को बेचैनी महसूस होने लगी। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा शागिर्द तकलीफ में है, वह किसी ना किसी परेशानी में है। उनकी बीवी ने कहा, नहीं, उनकी नई नई शादी हुई है, हो सकता है मियां बीवी कहीं घूमने गए हों। मौलाना साहब ने कहा, वह मुझे बिना बताए नहीं जा सकता। उनकी बीवी ने कहा, आप परेशान ना हो, सो जाएं। मौलाना साहब अपने बिस्तर पर गए और सो गए, मगर मौलाना साहब ने ख्वाब में देखा कि उसका शागिर्द रो रहा है और उनके कपड़ों पर खून पड़ा हुआ है। मौलाना साहब उठे और उस ख्वाब का बयान अपनी बीवी को सुनाया। उन्होंने कहा, आप बार बार सोच रहे हैं, इसलिए आपको ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। और फिर मौलाना ने दूसरी रात वही ख्वाब देखा, मगर तीसरी रात भी वही ख्वाब देखा कि उनका शागिर्द उन्हीं कपड़ों में लटपट है और रो रहा है। मौलाना साहब ने ऐसा किया कि उठकर वजू किया और उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। मौलाना साहब जैसे जैसे कुरान की आयतें पढ़ रहे थे, वैसे वैसे से उनका राज खुलता जा रहा था, और उनको बताया गया कि घर के शहन में जाकर देखो। अब मौलाना साहब बहुत परेशान थे कि मुझे इसके घर का इशारा क्यों मिल रहा है। मौलाना साहब अपने साथ मोहल्ले के कुछ लोगों को लिए उस अल्लाह वाले नौजवान के घर गए, और उनको देखते हुए वह तोता फिर से चिल्लाना शुरू हो गया। जब जमीन को खोदा गया तो वह तड़प कर रह गए। वह सोच भी नहीं सकते थे कि यह उनका प्यारा शागिर्द उनको इस हालत में मिलेगा। उनको कफन भी नहीं दिया गया। मौलाना सोचने लगे कि कौन जालिम है जिसने उनको कत्ल कर दिया, इस तरह दफन कर दिया। मगर अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, उनकी लाश ऐसे थी जैसे उनको अभी अभी दफन किया गया हो। उनके चेहरे से नूर चमक रहा था। उनको देखते ही मौलाना साहब ने अपना सर पकड़ लिया और नीचे जमीन पर बैठकर रोने लगे। मौलाना साहब ने देखा कि उसकी बीवी यहां मौजूद नहीं है। उन्होंने सबसे पहले अपने शागिर्द का नमाज़े जनाजा पढ़ाया और उसकी तदफीन का इंतजाम किया, और सब लोग इस बात से परेशान थे कि आखिर इस नौजवान को मारा किसने, किसने इसको कत्ल किया। मौलाना साहब उसके घर में आए और अपने शागिर्द को याद करते हुए रोने लगे। मौलाना साहब की दर्द भरी आवाज वहां मौजूद तोता बड़ी खामोशी से सुन रहा था। उसे यह लग रहा था कि वह तोता जिंदगी भर नहीं बोल पाएगा, मगर अल्लाह पाक ने उस तोते को बोलने की तौफीक अता फरमाई। उसने कहा, वह औरत एक तवायफ थी, जालिम थी, वह उससे जिना करना चाहती थी। वह बदक औरत तो यहां भैंस बदल कर आई थी। उसने सबको यहां बेवकूफ बनाया। उसने अल्लाह वाले नौजवान से निकाह किया और जब उसका दिल भर गया तो उसको जहर देकर जान से मार डाला। अब वह दोबारा जिनाकारी और बदका के लिए अपने कोठे पर चली गई है। इतना बताकर तोता खामोश हो गया। मौलाना साहब इस तोते को लेकर अपने घर चले गए और उसको अपने घर में रख लिया। इसके बाद चंद लोगों के साथ मौलाना साहब उस तवायफ बदक औरत के कोठे पर गए। मौलाना साहब वहां जाकर इस तरह गुस्से से चिल्ला रहे थे जिस तरह उस औरत को कत्ल कर देंगे। वह उसको बोल रहे थे कि बाहर आओ। मौलाना साहब अंदर नहीं जाना चाहते थे। मौलाना साहब की आवाज सुनकर उस तवायफ बदक औरत की मुलाजिम रोती हुई आई और उस मौलाना ने कहा कि आप उस नेक नौजवान के उस्ताद हैं। मौलाना साहब ने कहा, हाँ, मैं उसका उस्ताद भी हूँ, उसका बाप भी हूँ। तुम बाहर बुलाओ उस तवायफ को, उस बदक औरत को जिसने मेरे बेटे के साथ इतना जुल्म किया। उस मौलाना ने कहा, उसको इसके की सजा मिल चुकी है। जिस रात उसने अपने शौहर को मारकर अपने बदका के अड्डे पर आई, वह बहुत खुश थी, तैयार होकर बदका के लिए निकल रही थी कि एकदम उसका जिस्म बदलना शुरू हो गया, और देखते ही देखते
उसका जिस्म एक बंदर की शक्ल में तब्दील हो गया। उसको हमने एक कमरे में कैद कर दिया है क्योंकि उसके चेहरे को देखकर हमें खौफ आता है। फिर अल्लाह, उस अल्लाह वाले के साथ इस औरत ने जो भी किया, मैं भी उसके साथ शामिल थी और आहिस्ता आहिस्ता मेरा चेहरा भी बदल रहा है। ऐसा लग रहा है मैं भी इस जैसी बन जाऊंगी, मेरी हालत इस जैसी बन जाएगी। आप मुझे माफ कर दीजिए और इस नौजवान को कहे मुझे माफ कर दें, अल्लाह पाक ने हमारी दुनिया ही जन्नम बना दी है। इस मौलाना साहब ने कहा, अल्लाह पाक ने तुम्हारी सजा को तुम्हें दुनिया में ही दे दिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा बेटा तो शहादत की मौत पा चुका है, मगर तुम्हारी मालकिन तो हमेशा के लिए बंदर की शक्ल में तब्दील हो गया। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें बुराई से बचने और नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ऐसी ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।